नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इसमें हम लोग जो ज्योग्राफी का पोर्शन पढ़ रहे हैं इस किताब से, और इसमें अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी से, वो आपका स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये आखिरी पार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो है आपका स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ था। इससे पहले हम लोग ऊपर का जितना भी है सब पढ़ लिया है। ठीक है, तो आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाके वहाँ देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ का स्थापना 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 को, झारखंड का 15 नवंबर 2000 को और तेलंगाना का 2 जून 2014 को हुआ था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000 और तेलंगाना 2 जून 2014 को। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, उत्तराखंड का देहरादून, झारखंड का रांची और तेलंगाना का हैदराबाद है। छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो 135,191 वर्ग किलोमीटर है। उत्तराखंड का 53,483 वर्ग किलोमीटर, झारखंड का 79,714 वर्ग किलोमीटर और तेलंगाना का 112,077 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ की जो छत्तीसगढ़ में 27 जिला है, उत्तराखंड में 13 जिला, झारखंड में 24 जिला और तेलंगाना में 33 जिला है। छत्तीसगढ़ की भाषा हिंदी और छत्तीसगढ़ी है। उत्तराखंड की हिंदी गढ़वाली और कुमाऊनी है। तो उत्तराखंड की भाषा है हिंदी गढ़वाली और कुमाऊनी है। झारखंड का हिंदी, तेलंगाना का तेलुगु और उर्दू है। 1 अप्रैल 1936 को गठित आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत का नाम 24 जनवरी 1950 को बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1936 को गठित आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत का नाम 24 जनवरी 1950 को बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश और उससे संबंधित तत्व। तो इधर आपका केंद्र शासित प्रदेश का नाम दिया गया है और बाकी इसके बारे में सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और इसका क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर है और इसके कुल तीन जिले हैं। मुख्य भाषाएं हिंदी, अंडमानी, निकोबारी, बांग्ला, तमिल, मलयालम और तेलुगु है। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की मुख्य भाषा कौन कौन सी है, तो हिंदी है, अंडमानी है, निकोबारी है, बांग्ला है, तमिल है, मलयालम है और तेलुगु है। चंडीगढ़ का जो स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1966 को हुआ था और राजधानी इसके चंडीगढ़ है और इसका क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है और इसे कुल जिले 1 है। मुख्य भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी है। दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव का 26 जनवरी 2020 का इसका स्थापना हुआ था और इसकी राजधानी दमन है। इसका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में 603 है और कुल जिले इसके 3 है और यहाँ के मुख्य भाषा गुजराती और हिंदी है। लक्षद्वीप का स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी राजधानी कावरत्ती है और इसका 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और कुल जिले 1 है और इसकी मुख्य भाषा जैसरी, माहल और मलयालम है। जैसरी, माहल और मलयालम है इसकी मुख्य भाषा। दिल्ली की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था और दिल्ली राजधानी है। इसका 1,483 क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है, कुल जिले 11 है और मुख्य भाषा हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी है। पौंडीचेरी की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था और इसकी राजधानी पौंडीचेरी है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 492 वर्ग किलोमीटर है, कुल जिले 4 है यहाँ के और मुख्य भाषा तमिल, अंग्रेजी, तेलुगु, मलयालम और फ्रेंच है। जम्मू कश्मीर की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था और इसकी राजधानी श्रीनगर है और इसका जो क्षेत्रफल है 55,538 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पर 22 जिले हैं और यहाँ की भाषा उर्दू, डोगरी और कश्मीरी है। लद्दाख की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुआ और इसकी राजधानी लेह है और इसका जो क्षेत्रफल है 1,74,852 वर्ग किलोमीटर है और
दो यहाँ पर जिले हैं और इसकी भाषा लद्दाख की उर्दू और अंग्रेजी है। तो आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का स्थापना 1 नवंबर 1956 को, चंडीगढ़ का 1 नवंबर 1966 को, दादरा और नगर हवेली का तथा दमन व दीव का 26 जनवरी 2020 को, लक्षद्वीप का 1 नवंबर 1956, दिल्ली 1 नवंबर 1956, पौंडीचेरी 1 नवंबर 1954, जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की पोर्ट चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव दमन, लक्षद्वीप कावरत्ती, दिल्ली दिल्ली, पौंडीचेरी का पौंडीचेरी है और जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है, लद्दाख का लेह है। अंडमान में 3 जिले हैं, चंडीगढ़ में 1, दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव में 3, लक्षद्वीप में 1, दिल्ली में 11, पौंडीचेरी में 4, जम्मू कश्मीर में 22, लद्दाख में 2 जिले हैं। अंडमान व निकोबार की मुख्य भाषा हिंदी, अंडमानी, निकोबारी, बांग्ला, तमिल, मलयालम, तेलुगु है। चंडीगढ़ का हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, दादरा व नगर हवेली का गुजराती व हिंदी है, लक्षद्वीप का जैसरी माहल मलयालम है, दिल्ली का हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी, पौंडीचेरी का तमिल, अंग्रेजी, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच, जम्मू कश्मीर का जो है उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, लद्दाख का लद्दाखी उर्दू और अंग्रेजी है। अब हम आगे पढ़ेंगे आपका वन लाइनर जो बचा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं इसी वीडियो में। आज हम इस टॉपिक को समाप्त कर देंगे। तो भारतीय राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर डायमंड ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो भारतीय राज्यों में किसे भारत का कोहिनूर डायमंड ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को। फ्रांसीसी वास्तुकार ली कॉर्बुज़िए द्वारा डिजाइन किया गया चंडीगढ़ शहर आधुनिक स्थापत्य कला तथा नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रांसीसी वास्तुकार ली कॉर्बुज़िए द्वारा डिजाइन किया गया चंडीगढ़ शहर आधुनिक स्थापत्य कला तथा नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल के अनुसार में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य क्रमशः कौन है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा व क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य कौन है? तो बिहार है। असम की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो 7 राज्यों को स्पर्श करती है। असम की सीमा 7 राज्यों को स्पर्श करती है। और कौन कौन है आपका? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और पश्चिम बंगाल है। तो असम की सीमा जो है 7 राज्यों को स्पर्श करती है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। पाट अंचल, पैट रीजन अवस्थित है झारखंड में। तो पाट अंचल या पैट रीजन अवस्थित है आपके झारखंड में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो गाजियाबाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ यूनियन टेरिटरी कौन सा? दिल्ली है। और भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। केरल की सीमा किन राज्यों को स्पर्श करती है? तो केरल की सीमा कर्नाटक तथा तमिलनाडु के राज्यों को स्पर्श करती है। वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। छत्तीसगढ़ की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो छत्तीसगढ़ की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो 7 राज्यों को। तो किसका किसका? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ की सीमाएँ 7 राज्यों को स्पर्श करती है। तो कौन कौन है आपका? मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। तो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो
वर्ष 1956 में किया गया था। देश का प्रथम डिजिटल राज्य कौन है? तो केरल है। हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? तो आपका शिमला में है। भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करते हैं? तो 18। तो भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है? तो 18 है। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को। और दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय करके किसे नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया है? तो दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव का। 2 अप्रैल 1970 को मेघालय राज्य का गठन असम के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी राज्य ऑटोनोमस स्टेट के रूप में किया गया था। तो 2 अप्रैल 1970 को मेघालय राज्य का गठन असम के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी राज्य ऑटोनोमस स्टेट के रूप में किया गया था। तो अब हम रिवाइज करेंगे एक बार आखिरी बार, तो कल का भी हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को, मणिपुर का 20 जनवरी 1972, मेघालय 21 जनवरी 1972, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, सिक्किम 10 अप्रैल 1975, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, मिजोरम 20 फरवरी 1987, गोवा 30 मई 1987, छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 1 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000, तेलंगाना 2 जून 2014 को, और 1 अप्रैल 1936 को गठित आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत का नाम 24 जनवरी 1950 को बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। केंद्र शासित प्रदेश और उससे संबंधित तट, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुआ था। चंडीगढ़ का 1 नवंबर 1956 को, दादरा व नगर हवेली तथा दमन व द्वीप का 26 जनवरी 2020 को, लक्षद्वीप का 1 नवंबर 1956 को, दिल्ली का 1 नवंबर 1956 को, पौंडीचेरी का 1 नवंबर 1954 को, जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019, लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को। इसके बाद आगे पढ़ रहे हैं आखिरी बार, ठीक है, रिवाइज कर रहे हैं। तो भारतीय राज्यों में किसे भारत का कोहिनूर डायमंड ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को। फ्रांसीसी वास्तुकार ली कॉर्बुज़िए द्वारा डिजाइन किया गया चंडीगढ़ शहर आधुनिक स्थापत्य कला तथा नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल के अनुसार में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य क्रमशः कौन से हैं? तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है एवं महाराष्ट्र है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य कौन है? तो बिहार है। असम की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो 7। और कौन कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, पश्चिम बंगाल है, मेघालय है और त्रिपुरा है। पाट अंचल पैट रीजन अवस्थित है झारखंड में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो गाजियाबाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो यूनियन टेरिटरी दिल्ली। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश है। और केरल की सीमा किन राज्यों को स्पर्श करती है? तो कर्नाटक एवं तमिलनाडु। वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। छत्तीसगढ़ की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो 7। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो वर्ष 1956 में। देश का प्रथम डिजिटल राज्य कौन सा है? तो केरल है। हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? तो शिमला में। भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करती है? तो 18। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को। दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय करके किस नए केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया? तो दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव का। 2 अप्रैल 1970 को मेघालय राज्य का गठन असम के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी राज्य ऑटोनोमस स्टेट के रूप में किया गया था। इस प्रकार हमारा जो आज का टॉपिक है वो यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही।
आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।